हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी सेंटरों में रिलेशन भर्ती हो रही है दोस्तों, वहाँ पर डॉक्यूमेंट की बहुत दिक्कत आ रही है। दोस्तों, मेरे सामने ये चार्ट है और आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अगर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो दोस्तों, ये पूरा चार्ट है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो बच्चे लेके जा रहे हैं फिर भी उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या गलती नहीं करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने, कौन कौन से नहीं लेके जाने, कौन कौन से आपको बनवा लेने हैं जो भाई रिलेशन भर्ती में जाना चाहता है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ, नया नोटिफिकेशन निकला है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं सेंटर की ओर से निकला है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो वीडियो को पूरा और एंड तक आपको देख लेना, क्योंकि काफ़ी जो जानकारी होती है वो आप मिस कर देते हो जो लास्ट में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिन भाइयों ने नहीं किया है, जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ भाई आपका यहाँ पर रेड बटन है, इसे प्रेस कर देना, ठीक है। और साथ में इस बेल के आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हमने एक वीडियो और अपलोड की थी सभी सेंटरों की रिलेशन भर्ती, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप देख लेना। इसमें दोस्तों 17 रिलेशन भर्तियों की डेट है, जो दिसंबर और आपकी जनवरी फरवरी में आपके आने वाली है जो रिलेशन भर्तियाँ, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें जो पूरी लिस्ट दी हुई है, यानी कि चेक लिस्ट, अगर आप ऊपर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, चेक लिस्ट। तो मैं आपको इसकी पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक पूरा आपको देख लेना है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बताने वाला हूँ जिनको आपको लेके जाना है। ये फॉर्मेट के बारे में भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपको सेंटर में मिलेगा, ठीक है, ये आपको सेंटर में मिलेगा। आप भर्ती के लिए जब जाओगे तो वहाँ पर भाई जो क्लर्क रहेगा वो आपका जो ये फॉर्मेट यानी कि फिल करेगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कि आप भर्ती के लिए गए, ठीक है, सबसे पहले आप यानी कि उसके पास क्लर्क के पास ये फॉर्म रहेगा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो उसी हिसाब से ये फॉर्म को यहाँ पर यानी कि क्लिक करता चले जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो दोस्तों, नेम ऑफ कैंडिडेट पर एजुकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पर आपका नाम लिखेगा वो यहाँ पर, ठीक है, आपका जिस जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट में नाम है, ठीक है। तो दोस्तों, और दूसरे नंबर पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, नेम ऑफ पर रिलेशन सर्टिफिकेट, जो आपके रिलेशन में नाम है वो यहाँ पर आपका नाम लिखेगा, ठीक है। और नेम ऑफ वेरिएशन इन इफ़ एनी, ठीक है, अगर आपके नाम में कोई भी दिक्कत है, जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, अगर आपके नाम में मान लो कि सरनेम में दिक्कत है, मिस्टेक है, तो आपको एफिडेविट लेके जाना है, वो यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, फिर चौथे नंबर पर नेम ऑफ फादर, आपके जो पिताजी का नाम है वो यहाँ पर मेंशन लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपके पिताजी का नाम है, ठीक है। फिर दोस्तों, पांचवे पॉइंट पर अगर आप देखोगे, डेट ऑफ यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जो आपके रिलेशन सर्टिफिकेट में वो यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है, जो भी आपके रिलेशन सर्टिफिकेट में नाम है, जो पाँचा पॉइंट है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं। और दोस्तों, सिक्स पॉइंट है डेट यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट में, वो सिक्स पॉइंट है, वो यहाँ पर आपका क्लिक कर देंगे, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर लिख देंगे रीमार्क में, अगर आप देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों, सेवन्थ जो आपका है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में भी कोई दिक्कत है तो आपको एफिडेविट लेके जाना, वेरिएशन अगर आप यहाँ पर वेरिएशन इन डेट ऑफ बर्थ इफ़ एनी, ठीक है, वो भी यहाँ पर लिख देंगे, अगर आपके कोई भी डेट ऑफ बर्थ में जो चेंजमेंट है, दिक्कत है या कोई भी परेशानी है, ठीक है, जो दिनों का अंतर होता है। और आठवां पॉइंट अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आठवें पॉइंट में आपके जो रिलेशन सर्टिफिकेट में रिकॉर्ड से है यस या नो, ठीक है, यहाँ पर वो क्लिक कर देंगे, अगर आपका यस है तो ठीक है, नो है तो वो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, आपको फ़ोटो यानी कि फ़ोटो कॉपी लेके जानी है 10वीं 12वीं 8वीं की, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी है तो यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डाटा आपका चलता रहेगा। मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों आपकी आपके जो पासिंग मार्क्स के हैं आपके जो सब्जेक्ट में एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो अगर आपके पासिंग मार्क्स 33% है तो हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सोल्जर जीडी में जो एवरेज होती है 45% पर सब्जेक्ट, अगर आपके हर सब्जेक्ट में 45% है तो अगर हैं तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो दोस्तों नो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से जो डाटा आपका चलता रहेगा, ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगर आप क्लर्क की भर्ती देख रहे हैं और 60% मार्क्स आपके हैं
तो यस कर देंगे, अगर नो है तो नो कर देंगे, ठीक है। इसी हिसाब से आपका जो फॉर्मेट चलता रहेगा। और दोस्तों मैं नीचे बताऊं आपको, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो उसी हिसाब से आपका डाटा चलता रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपके चालू हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखोगे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका जो डोमिसाइल कहाँ का है, ठीक है। तो आपको डोमिसाइल लेके जाना है, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अगर आप लेके गए हो तो यस कर देंगे, नहीं लेके गए हो तो नो कर देंगे। दोस्तों आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास है जो वैलिड होना चाहिए। दोस्तों नया अपडेट ये आया है कि अगर आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है एक साल का वैलिड होना चाहिए, एक साल तक, ठीक है, वन ईयर इसमें लिखा है। और दोस्तों वो भी आपका सरपंच प्रिंसिपल द्वारा होना चाहिए। अगर आपके पास होगा तो यस कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नो कर देंगे, इस हिसाब से, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अनमेरिड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट भी हैं, ये आपको लेके जाने हैं, ठीक है। जो ये रिलेशन में, हर रिलेशन भर्ती में आपको ये फॉर्मेट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप यहाँ पर देखोगे, कास्ट सर्टिफिकेट और फिर आपका एफिडेविट, अगर आपका कोई भी नाम में चेंजमेंट है तो वो भी है। देखो दोस्तों कितने एफिडेविट यहाँ पर, हर चीज़ का अलग एफिडेविट होना चाहिए, यहाँ पर ही बताया गया है। और 14 पास फोटोग्राफ होने चाहिए आपके, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे यानी कि 14 फोटो होने चाहिए आपके, ठीक है। और आपके फैमिली फ़ोटो आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है, जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये लेके जानी है, अगर होगी तो यस आप वो कर देंगे, क्लर्क आपका यहाँ पर यस कर देगा। अगर आपके पास नहीं होगा तो यहाँ पर नो पर टिक कर देगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लूँ, अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा है या बीएससी या कोई भी आपके पास है तो वो लेके चले जाना है। होगी तो आपके पास यस, नहीं तो नो। और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट से कोई इवेंट अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट से हो, नेशनल या इंटरनेशनल से हो, ठीक है, उस हिसाब से। और दोस्तों एनसीसी, अगर एबीसी आपके पास है तो यस या नो, ठीक है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों एफिडेविट जो यहाँ पर दिखाया गया है वो भी आप देख लेना, ठीक है। और फिर यहाँ पर दोस्तों जो ये 27वां पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ, ये है दोस्तों नो रिस्क सर्टिफिकेट। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये इसलिए है कि अगर हम भर्ती के लिए जा रहे हैं कोई भी हमें दिक्कत होगी उसके जिम्मेदार हमें, इसका पूरा मतलब ये है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 28 पॉइंट है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे लेके जाना, ठीक है। और अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पर 29 पॉइंट में दिखाया गया कि अगर है तो हमें दिखा देना, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों ये इस प्रकार से है। और यहाँ पर दोस्तों आपके जो सिग्नेचर हैं, आर्मी रैंक है, रैंक नेम है, सब कुछ यहाँ पर जो फॉर्मेट अगर आप देखोगे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हिसाब से दोस्तों ये सेंटर में जो ये चार्ट निकला है जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप को कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करना कि भाई मुझे अब भी दिक्कत है, तो हम आपकी दिक्कत ज़रूर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपका रेड बटन है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर भाई प्लीज़ रेड बटन है, इसे प्रेस करके साथ में इस बेल के आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।